है मारुति की। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जनवरी 2025 में आ जाएगी। इसकी रेंज को लेकर कंपनी ने क्या कुछ खास किया है, इसके साथ ही फेस्टिव सीजन में डिमांड का क्या आउटलुक है, इस बारे में हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मार्केटिंग और सेल्स के हेड पार्थो बैनर्जी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सुमित, अभी हमने जो केरला में देखा है आपका, पिछले साल जो ओनम था आपका अगस्त एंड में था, इस साल मिडिल ऑफ सितंबर में होने जा रहा है, तो मोस्टली जो गाड़ियां डिलीवर होती हैं वो ओनम फेस्टिवल के दौरान होती हैं। बट हम यदि पूरा महीना देखें पिछले साल केरला का विसर्विस दिस ईयर फॉर मारुति के लिए, तो हम देख रहे हैं हमारी बुकिंग 10% का इजाफा हुआ है, तो विच ए बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है आप यदि देखें, क्योंकि जो 10% बुकिंग बढ़ी है। और दूसरा, यदि हम गणेश चतुर्थी देखें जो कि शनिवार को था, पहला दिन था आपका, उसमें जो डिलीवरीज हुई है जहां जहां पे कि फेस्टिवल आपकी मशहूर है, वहां पे 10% की, वहां पे भी हम डिलीवरीज पे भी अपनी ग्रोथ देखा है। तो यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है कि हमें ग्रीन शूट दिखने लग गए हैं, फेस्टिवल टाइम में हमारी सेल्स और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप मानसून यदि देखेंगे तो बहुत अच्छी मानसून हो रही है इस साल। एक्चुअली सारे आपके वाटर रिजर्वायर डैम्स जो हैं सारे फुल हो चुके हैं, और यदि इरिगेशन अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद में वो अपने आप इकोनॉमी वापस आनी है। तो हमें लगता है कि वर्स्ट इज नाउ ओवर, हम अभी आगे की तरफ हमें लगेगा कि नाउ ऑटो इंडस्ट्री विल बी मूविंग ऑन द अपसाइड। और एक चीज आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी भारत मंडपम में आएगी, किस तरह की होगी, क्या रेंज होगी, कुछ बताएंगे फॉर कस्टमर्स का? हम अपनी पहली गाड़ी जो है भारत मोबिलिटी शो 2025 में लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो गाड़ी है हमारी, इसमें जो रेंज होगी वो 500 किलोमीटर प्लस होगी आपकी, क्योंकि आज की तारीख में जो हमने मार्केट रिसर्च किया था, दो तीन कंसर्न आए थे कस्टमर्स के। एक कंसर्न थी रेंज की, कि रेंज की एंजाइटी बहुत रहती है, यदि कम रेंज होती है भाई कहीं चल रही है जाम में फंस गए ये ना हो गाड़ी रुक जाए। दूसरी होती है कि कहीं मुझे गाड़ी लेके जाना है, यदि मान भी लीजिए कि मेरी यदि बैटरी की चार्ज खत्म हो गई है, तो मेरे को चार्जिंग के लिए कोई स्टेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हम जब इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, हम पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे। जो भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको एश्योर करना चाहते हैं। तो ये थे मारुति के मैनेजमेंट, जो उनको लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन में ग्रीन शूट्स अभी से दिखने शुरू हो गए, ये लोग काफ़ी पॉजिटिव है। गौरांग सर, मारुति अगस्त के बाद से एकदम से सुस्त पड़ा हुआ है, उस तरह की चाल नहीं दिख रही है। अगस्त तक तो अच्छी तेजी दिखी, 1 अगस्त के बाद से बिल्कुल सुस्ती दिख रही है, आगे की चाल कैसी दिख रही है मारुति की सर? देखिए 1400-14,000 के, माफ कीजिएगा, 14,000 के पार के लक्षांक है मारुति पर। और देखिए कोई भी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी होती है, चाहे वो ऑटो क्षेत्र हो या बाकी अन्य क्षेत्र हो, कुछ समय के बाद चलते हैं तो मुनाफा वसूली आना भी जायज होती है, और फिर कुछ दायरेबंद कारोबार होता है, और खास करके जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आए उसको लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन ये छोटी मध्यम अवधि की बात है। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे, और हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। लॉन्चेस को लेकर के काफी उत्साह है। हाँ, एक बात सही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इन्हें आगे बढ़ते हुए काम करना था वो नहीं किया, लेकिन अब वो प्रयास कर रहे हैं, और बहुत मेरे ख्याल से अगले साल अंत तक आपको मारुति की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतरती हुई नजर आएगी, और नए लॉन्चेस बाकी अन्य भी बहुत सारे इनके पास।